महेंद्रगढ़ के चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क में विधायक राव दान सिंह और आम जन की सुविधा हेतु निर्माणाधीन व्यायाम शाला को नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़ने पर सामाजिक संगठनों ने हुड्डा पार्क में इकट्ठे होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और एडीसी को लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त के नाम लिखा गया ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने बताया कि महेंद्रगढ़ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क में विधायक राव दान सिंह व आमजन के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके आमजन की सुविधा हेतु व्यायाम शाला का निर्माण करवाया जा रहा था और ये कार्य नगर पालिका प्रधान पार्षदों की सहमति उपरांत ही शुरू किया गया था। वही 5 अप्रैल को अचानक नगर पालिका सचिव व कनिष्ठ अभियंता पालिका अभियंता ने बिना कोई नोटिस जारी किए व्यायाम शाला के निर्माण को तुड़वा दिया, जबकि ये निर्माण 1 साल पूर्व तत्कालीन सचिव की सहमति से शुरू किया गया था। आपने एक ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? आज ज्ञापन दिया जी, वो जो आपको लोगों को पता है, जिस दिन भी बताया था हमने, अब वो जो व्यायाम शाला बन रही थी वो तोड़ दी गई है और जो सारी जो पब्लिक ने पैसे इकट्ठे करके व्यायाम शाला जो बनाई थी उसको तोड़ दिया गया है। जो कि पहले प्रशासन से पूछ के जेई साहब ने पत्थर वगैरह सारी सफाई जेई साहब ने करवाई थी उस टाइम, और फिर उसको तोड़ दिया गया है। एम डी सी साहब से, एसडीएम साहब से 200-250 आदमी पार्क से चले थे, हम आके विज्ञापन दिया है एम डी सी साहब को। अब ये कह रहे हैं 2-4 दिन में हम आपका समाधान करेंगे, पता करके डी सी साहब से बात करके, एडीसी ने कहा है, अब डी सी साहब से बात करके जब करेंगे तो हम ये चाहते हैं ये करवाओ। अपने एसडीएम साहब को ये भी कहा है कि पहले हमने 4 लाख रुपये लगा के खुद पब्लिक ने और फिर ये काम करवाया था, अब पब्लिक के आप लोगों के पैसे लग रहे हैं और फिर ऐसे तोड़ गई है, मतलब इससे बच्चा अनाचार क्या होगा बताऊं? अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप आगे क्या करेंगे? नहीं होता तो आगे हम धरना करेंगे, धरना देंगे। अगर से समाधान नहीं होगा हमारा तो कुछ तो करेंगे ही, पब्लिक इकट्ठा करके तुलाराम चौक पे धरना देंगे। ठीक है, पार्क में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी जब इसकी शुरुआत हुई तो नगर पालिका के प्रधान की मौजूदगी में थी, JEME को बता के शुरू किया गया था। ये बेसिकली एक व्यायामशाला बनाई जा रही थी जो कि लोगों के पैसा इकट्ठा करके सर्वजन हित में एक सर्वजन का कार्य किया जाए। हैरानी की बात यह है कि 3 महीने से ये काम थोड़ा 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 करके चल रहा था। JEME ने खुद इसकी सफाई कराई थी, जैसे ही ये लेंटर के लेवल पर पहुँचा नगर पालिका ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी को बताए उसको ध्वस्त कर दिया। जब हमने और वर्बली हमने उनसे, जिस दिन वो तोड़ने भी जा रहे थे तो हमारे जो चेतन पार्षद, उनको पता नहीं किसी तरह पता चल गया, तो चेतन पार्षद वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे आप ये तो बताओ किस लिए कर रहे हैं, बोले नहीं तोड़ रहे हैं, बस मुंह पे मना कर दिया और 15 ही मिनट में जाके तोड़ा। ये बेसिकली बहुत गलत बात है, सरकार ना तो खुद कोई काम कर रही है, अगर लोग सब मिलके कुछ करना चाहते हैं। अभी आपको प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? हमने ADC साहब को और SDM साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं वो मौके पर विजिट करेंगे, DC मैडम से बात करेंगे और उचित कार्रवाई इस मामले पे की जाएगी। ADC दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क में निर्माणाधीन व्यायाम शाला को नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़ने पर सामाजिक संगठनों ने जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन हमें सौंपा है, जिस पर जिला उपायुक्त से बातचीत करके जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा उसके अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पार्क में तोड़ी गई व्यायामशाला को लेकर आज आपने ज्ञापन मिला है, क्या कार्रवाई है? तो ये ज्ञापन इन्होंने दिया है कि ये व्यायामशाला तोड़ी गई है, तो ये उपायुक्त महोदया मैडम से मैं एक बार इसके बारे में चर्चा करके जो भी उचित होगा कार्रवाई नियमानुसार मैडम उसके आदेश दे देंगे। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।